वाकरगंज ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की गई। आपको बताते चलें, आज देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार अमन और सुकून के साथ मनाया गया। ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सुबह से ही ईदगाह समेत सभी छोटी बड़ी मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ी। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करने का सिलसिला शुरू हुआ। साहिब निसाब मुसलमानों ने अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी दी, जो 3 दिन 29-30 जून व 1 जुलाई तक चलेगा। शहर में मुख्य नमाज बाकरगंज स्थित ईदगाह में 9:30 बजे काजी हिंदुस्तानी मुफ्ती असद रजा कादरी असद मियां ने अदा कराई। नमाज के बाद खुतबा पढ़ा, उसके बाद खुसूसी दुआ की, सभी से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर जमात रजा मुस्तफा के महासचिव फरमान मियां ने समेत ईदगाह कमेटी के सदर खलील अहमद, डॉक्टर तरजाद नूरी, मेहताब अली, सैयद हसीन आदि ने सबको गले मिलकर मुबारकबाद दी। आज ईद के अवसर पर काफ़ी फोर्स लगाया गया है, शहर के सारे थानों में फोर्स लगाया। यहाँ भी आप जैसा देख रहे हैं, ईदगाह पर एक RF की कंपनी डिप्लॉयड है और काफ़ी जगह पर, काफ़ी नुक्कड़ और चौराहों पर PAC का डिप्लॉयमेंट है और पिकेट्स हमारी लगाई गई हैं और सारी जगह लगभग नमाज समाप्त हो चुकी है। ईदगाह पर भी अभी कुछ समय में समाप्त हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से और शांति से ये त्यौहार सम्पन्न हुआ। धन्यवाद। आज जो है ये बकरीद की नमाज लगभग जो है हर जगह संपन्न हो गई है। यहाँ पर बड़े ईदगाह में आप लोग देख रहे हैं कि नमाज संपन्न होने के करीब है और बहुत ही अच्छे माहौल में, और पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी है और मजिस्ट्रेट भी लगे हैं और साफ़ सफाई के लिए भी नगर निगम की टीम पूरी मुस्तैद है। कहीं से भी कोई समस्या नहीं है, बहुत ही अच्छे माहौल में ईद का। मैं डॉक्टर कदीर अहमद ये संदेश देना चाहूँगा बरेली शहर के लोगों को कि ईद का त्यौहार मिलजुल कर मनाएं, अच्छी तरह मनाएं। कोई भी व्यक्ति जो कुर्बानी करे तो उसका फ़ोटो जो है व्हाट्सएप पे ना डाले, फेसबुक पे ना डाले, इस बात का ध्यान रखें। हम हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर गले मिलें, एक दूसरे को मुबारकबाद दें, अमन शांति रहे शहर में, यही मेरा पैगाम है जी। सबसे पहले मैं देश और दुनिया के सभी आलम दीन को इस ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि पूरे जो ईद का जो ये प्रोग्राम है ये चल रहा है, ख़ास तौर से जो है कुर्बानी का प्रोग्राम, तो कुर्बानी को जो है बहुत सफाई, साफ़ और सफाई सुथराई के साथ में करें, खुले में बिल्कुल भी जो है हरगिज भी ईद ना करें। ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा प्रतिबंधित पशुओं पर कुर्बानी बिल्कुल भी नहीं करना है, ख़ास तौर से वो जानवर जो हमारे देश में जिनकी छूट है, जानवर जैसे बकरा है, बड्डा है, भैंस वगैरह, इस टाइप के जानवरों को ही कुर्बानी करनी चाहिए। और मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि सब लोग बहुत ही चैन और मन के साथ में इसके ईद के त्यौहार को मनाएं।